किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हुई मारपीट। टिकैत बोले, ये सरकार की साजिश, तीन हिरासत में। कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। घटना बेंगलुरु प्रेस क्लब की है, जहां टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। वाकये के बाद टिकैत समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के समय टिकैत के सहयोगी नेता युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इधर अपने ऊपर फेंकी गई स्याही के बाद टिकैत ने कहा कि ये जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस की है, पुलिस ने यहाँ सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, पूरी तरह से सरकार की मिलीभगत से ये काम हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने पहुँचे थे टिकैत। दरअसल टिकैत एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने पहुँचे थे। इस वीडियो में कर्नाटक के किसान नेता कोडीहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश और युद्धवीर ये कहने पहुंचे थे कि वे इसमें शामिल नहीं है, और धोखेबाज किसान नेता कोडीहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।